100% में से सिर्फ 2% लोग, जी हाँ सिर्फ 2% लोग लॉकडाउन के इस समय को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं। यही वो 2% लोग हैं जो आने वाले टाइम में आपको सक्सेसफुल दिखेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि लॉकडाउन के इस टाइम को उन्होंने अच्छे से यूज किया, बल्कि इस लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने अपने समय को यूज करना सीखा। पहले हमें 21 दिन मिले थे और आजकल कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद लॉकडाउन आगे थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। हालांकि देखेंगे कि गवर्नमेंट का डिसीजन क्या रहेगा, बट 21 दिन किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए 21 दिन आपको चाहिए होते हैं। और जिन्होंने भी इन 21 दिनों में अच्छी आदतें अपनाई हैं, उन अच्छी आदतों का असर उनके पूरे जीवन काल में दिखने वाला है। तो क्या आप उन 2% में से हैं या 98% में से? खैर, हमें तो आयल्स पास कराना है और आपको आयल्स पास करना है, तो चलिए देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स। द नंबर वन वर्ड इज कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है टू पोल्यूट, टू अडल्ट्रेट, मतलब किसी चीज को दूषित करना या खराब कर देना उसमें मिलकर। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू कंटेमिनेट द फूड, पुट द फूड इन द फ्रिज सो दैट बैक्टीरिया डू नॉट कंटेमिनेट इट। नंबर सेकेंड इज एक्सेजरबेट। एक्सेजरबेट होता है किसी चीज की हालत और ज्यादा पहले से खराब करना, टू इंटेंसीफाई, एग्रवेट पेन। एग्रवेट का मतलब होता है और ज्यादा किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, पेन, एग्रवेट पेन मतलब पेन को बढ़ाना। तो किसी चीज की जब कोई चीज हालत खराब कर दे, पहले से ज्यादा वर्स कर दे, उसको टू मेक वर्सन भी आप कह सकते हैं, सो दैट इज नोन एज एक्सेजरबेट। जैसे फिलहाल पहले से ही इकोनॉमी में रिसेशन आया हुआ था, अब ऊपर से लॉकडाउन आ गया है कोरोना वायरस की वजह से, सो आप ऐसा कह सकते हैं कि रिसेशन इज फर्दर एक्सेजरबेटेड बाय कोरोना पैंडेमिक। नंबर तीन पे है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है जो चीज पहले से किसी चीज के लिए चाहिए होती है या मांगी होती है, रिक्वायर्ड एज प्रायर आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। जैसे अगर आपको विदेश जाना है, वीजा लगवाना है, तो उसके लिए आयल्स जो है वो एक प्री रिक्विजिट है, पहले से ही जो मांगी गई है या पहले से ही उसकी जरूरत है, वो पहली उसकी कंडीशन है। वीजा लगवाने के लिए आयल्स एक पहली कंडीशन है, तो आप ऐसा एक सेंटेंस बना सकते हैं, आयल्स इज प्री रिक्विजिट टू अप्लाई फॉर स्टडी वीजा। मैंने आपको प्री रिक्विजिट बताया, इसी तरह का एक वर्ड होता है परक्विजिट। परक्विजिट का मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है प्री रिक्विजिट से। परक्विजिट का मतलब होता है कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एंटाइटल्ड हो किसी जॉब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसका परक्विजिट आपको एक मेहनताना या एक सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है, तो वो आपके काम के साथ जुड़ी हुई है। कईयों के काम के साथ उनको ट्रैवल मिलता है, घूमने फिरने का काम है तो उनको ट्रैवल मिलेगा, तो वो परक्विजिट है उनका। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कह सकते हैं ईयरली ट्रैवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर हिज परक्विजिट, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारी जो ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कई कई बार वो देशों में विदेशों में घूमने जाते हैं तो बड़ी आलोचना होती है उनकी, जबकि जो पीएम की जॉब है उसके अंडर उनको वो प्रिक्विजिट है, उनको वो सुविधा मिली हुई है। तो प्रिक्विजिट मतलब कोई भी बेनिफिट, कोई भी ऐसा फायदा जो ऑलरेडी आपके काम में एंटाइटल्ड हो, आपको मिला हुआ हो, दैट इज नोन एज प्रिक्विजिट। नंबर फोर इज सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है उन चीजों के साथ आप सेल्डम यूज करते हैं जो आप कभी कभी करें, रेयर आप कह सकते हैं इस वर्ड के लिए। आई सेल्डम गेट अलॉन्ग विद पीपल बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट वो जो कम लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत कम करते हैं, ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। सो आई रेयरली और आई सेल्डम गेट अलॉन्ग विद पीपल, मैं लोगों के साथ मेरी अच्छी नहीं बनती ज्यादातर या रेयरली, बहुत कम बनती है। नंबर फाइव पे है एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का क्या मतलब होता है? दारू की बोतल नहीं, ओल्ड हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री का हिसाब किताब, उसको एंटीक्विटी बोलते हैं। कोई चीज पुराने जमाने से, बड़े शताब्दियों, हजारों या सौ सालों से पुरानी हो, तो उसके लिए आप एंटीक्विटी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे जो हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स हैं वो पुरानी शताब्दियों से हमारे पास है, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इस तरह के, या फिर ताजमहल की हम बात करें तो आप एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, मोस्ट ऑफ आर हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स डेट्स फ्रॉम एंटीक्विटी, मतलब ओल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारे मोनूमेंट्स। नंबर सिक्स पे है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है कोई भी काम जो एक ही तरह का हो, एक रस हो, नीरस हो, आप इसको बोरिंग भी बोल सकते हैं। जैसे आजकल बस सिर्फ घर पे रहना है और कोई काम नहीं है उनके लिए, जो काम अपना ढूंढ नहीं सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि 2% लोग और 98% लोग, तो 98% लोगों के लिए जो रूटीन हो गया वो बोरिंग हो गया है, मंडेन हो गया है। आई एम क्वाइट टायर्ड ऑफ माई मंडेन रूटीन ड्यूरिंग लॉकडाउन। सेवंथ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड एजिमिलेशन। एजिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, पचा लेना भी इसको बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्ब कर लेना चीजों को। कोई व्यक्ति अगर बड़ी जल्दी बड़ी चीजें, कुछ चीजें सीख लेता है बहुत अच्छे से, तो आप उनको कहते हैं कि इसकी एजिमिलेशन पावर बड़ी अच्छी है, एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्ब कर लेता है।
हमारा शरीर खाने को पचा लेता है, उसके लिए डाइजेशन वर्ड यूज होता है, एजिमिलेशन भी यूज होता है उसके लिए। सो एजिमिलेशन को दो तीन तरीकों से आप इसको यूज करते हैं, किसी चीजों को अपने आप में समाहित कर लेना, सोख लेना, पचा लेना और अच्छे से किसी चीज को बड़ी जल्दी से समझ लेना, तो वो भी एक एजिमिलेशन है। इवन दो ही इज अ फॉरिनर, हालांकि वो एक फॉरिनर है, बट ही एजिमिलेटेड इंडियन कल्चर वेरी वेल, उसने बड़े अच्छे से इंडियन कल्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अपना लिया है। नंबर एट, फिकल। स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं आप इस वर्ड को। फिकल का मतलब होता है चंचल, किसी भी चीज की नेचर अगर बड़ी फ्रिक्वेंटली बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होती रहे, है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जैसे मूड होता है ना, कभी मूड गाना सुनने का कर रहा है, कभी मूड सोने का कर रहा है, कभी मूड पढ़ने का कर रहा है, सो दैट इज नोन एज फिकल, फिकल नेचर जो बड़ी जल्दी चेंज हो जाए, चंचल भी आप कह सकते हो। सो इसे एक सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हो, ट्रस्ट इन हार्ड वर्क नॉट इन द फिकल नेचर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की चंचल नेचर पर विश्वास मत करो, अपने हार्डवर्क में विश्वास करो। नंबर नाइन इज इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब होता है जो रिवर्स न कर सके, जिसको आप कोई भी ऐसी चीज जिसको वापस न लिया जा सके, जैसे शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं तो वो इरिवोकेबल होते हैं, वापस नहीं लिए जा सकते हैं। और ये किसका डायलॉग था कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, माई डिसीजन वंस टेकन आर इरिवोकेबल, एक बार मैंने डिसीजन ले लिया तो मैं उसको वापस नहीं ले सकता। हमारा टेंथ वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमेशा के लिए या लंबे समय तक के लिए टिकी रहे, किसी की याद हो सकती है आपके मन में टिकी रहे, तो दैट इज नोन एज परपेचुअल। आप कहीं गए हो, किसी का स्पीच सुना हो और वो आपके दिमाग में मन में घर कर जाता है हमेशा के लिए। हर वर्ड्स लेफ्ट अ परपेचुअल इम्प्रेशन ऑन मी, उनके वर्ड्स ने मेरे ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग या लास्टिंग फॉर एवर इम्प्रेशन किया, एक हमेशा रहने वाला एक इम्प्रेशन किया। सो स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन के इस टाइम को कम से कम हम वेस्ट ना करें और कोशिश करें थोड़ी बहुत वैल्यू क्रिएट करने की इस टाइम में भी, ताकि आपको पढ़ने को मिल सके इन छुट्टियों में भी। आपके पास 24 घंटे का समय है, इन वीडियोस को आपने सिर्फ 5 या 10 मिनट ही देनी है और वो भी हर रोज। अगर इतना समय भी आप अपनी स्किल के लिए नहीं निकाल सकते, सो माई डियर फ्रेंड, आपने आपको खुद को समझा लेना चाहिए कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में कहीं ना कहीं बाकी लोगों से पीछे हैं। 2% लोगों का आंकड़ा याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि आप कौन सी गिनती में होना चाहते हैं, 98% या 2%। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे।